रायबरेली में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित प्राइवेट बस स्कूली बस से टकराई, चालक की हालत गंभीर। भीषण कोहरे के दौरान रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित प्राइवेट बस बच्चों से भरी स्कूल बस में जा टकराई, जिससे चालक व कंडक्टर को गंभीर चोट आई। हादसा इतना भीषण था कि बसों के परखच्चे उड़ गए। दरअसल पूरा मामला सलून कोतवाली क्षेत्र स्थित रसूलपुर गांव का, जहां दिल्ली को जाने वाली प्राइवेट बस व निमिसा कॉन्वेंट स्कूल की बस आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना भीषण था कि आसपास के क्षेत्र में कोहरा मच गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बस के घायल चालक परिचालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलून इलाज के लिए भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस हादसे में कुछ बच्चों को मामूली चोट आई है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। कहाँ के निवासी? ग्राम परसिकपुर। कैसे, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे? चढ़ुआ पुल के पास। कैसे, कहाँ जा रहे थे? मैं स्कूल आ रहा था। कौन सी बस थी? दिल्ली वाली बस थी। उसके सामने से मार दिया हमारी बस पे। लगभग कितने बजे घटना है? ये है 8 बजे। लगभग कितने लोग चोटिल हुए हैं? कितने लोग चोटिल हुए हैं? चोटिल तो हम ही कंडक्टर हुए, बाकी सब बचे। अभी आप कहाँ हो? बच्चे 2-3। हाँ, एक के साथ में लगी है बच्चे। अभी आप कहाँ आए हो? CHC में, सलून। सर नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर आशीष नायक है, मैं चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य सलून में कार्यरत हूँ। सर आज एक्सीडेंट हुआ है एक निमिसा बस और सामने साहिल वाली बस से, क्या है पूरा प्रकरण? बस से एक्सीडेंट हुआ है, जो स्कूल बस थी और एक प्राइवेट बस वाला एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिनके पैरों में सूजन है और मसल डीप इंजरी है। इसके लिए हमने प्राथमिक उपचार कर दिया है और आगे के लिए हमने जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया। सर क्या कोई थाना सलून के अंतर्गत रसूलपुर के पास सड़क में एक कर्व सा है, वहां पर एक स्कूल की बस और टूरिस्ट बस के बीच में टक्कर हुई है। टक्कर से जो स्कूल बस का ड्राइवर है वो घायल है, उसे अस्पताल भेजा गया है, जबकि बच्चे सभी सुरक्षित हैं, उनको घर भेज दिया गया है। टूरिस्ट बस के सभी लोग सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।